मैं हूं आचल सिंह और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आईपीएल 2022 का चौथा मुकाबला आज दो नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच में खेला जाना है। दोनों ही टीमें इस मुकाबले के जरिए आईपीएल डेब्यू करेंगी, ऐसे में अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना चाहेंगी। गुजरात टाइटंस ने जहां हार्दिक पांड्या को अपना कैप्टन बनाया है, तो वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने केएल राहुल को टीम की अगुवाई सौंपी है। इन दोनों कप्तानों के लिए आज के मैच की प्लेइंग 11 चुनना आसान नहीं होगा। शुरुआती लीग के मैच में दोनों टीमों को कुछ खिलाड़ियों की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी, जिस वजह से टीमों को उनके बैकअप ऑप्शन के साथ मैदान पर उतरना होगा। वही मार्क वुड और जेसन रॉय जैसे खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आप सभी जानते हैं कि लखनऊ को मार्क वुड की चोट से बड़ा झटका लग चुका है। 7.5 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा था, लेकिन अब चोट की वजह से वो नहीं खेल पाएंगे। वहीं जेसन रॉय की अगर हम बात करें तो वो भी अपना नाम वापस ले चुके हैं, जो कि गुजरात के साथ थे। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के उन खिलाड़ियों की जो इस सीजन का पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। लखनऊ की टीम 3 खिलाड़ियों के सिवाय पहले कुछ मैच में नहीं ले पाएगी। जेसन होल्टर और काइल मेयर्स हाल में ही संपन्न हुए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम का हिस्सा थे। गुजरात के लिए अल्जारी जोसेफ शुरुआती कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स की जो संभावित प्लेइंग 11 होगी। गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो इसमें शुभमन गिल होंगे और मैथ्यू वेट जो कि विकेट कीपर हैं, विजय शंकर हैं, अभिनव मनोहर हैं, डेविड मिलर हैं, हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन हैं, राहुल तेवतिया हैं और राशिद खान, आर साई किशोर, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी और वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उनके साथ खेल रहे हैं केएल राहुल जो कि कैप्टन हैं, क्विंटन डिकॉक जो कि विकेट कीपर हैं, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, मनन वोहरा, कुणाल पांड्या, अंकित राजपूत, के गौतम, रवि बिश्नोई और दुष्मंथा चमीरा, अवेश खान, ये वो खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में खेल सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन खिलाड़ियों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन सा लग रहा है और कौन सी टीम आपको लग रही है कि मुकाबला जीतने में कामयाब होगी।